हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे अलर्ट 91। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी चैनल की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो फ्रेंड्स, पेसमेकर का संबंध होता है दिल से, हार्ट से। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को इसका बेनिफिट हो सके और हम भी इसे मोटिवेट होए, ताकि हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आते रहें। गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, गति प्रेरक का संबंध होता है दिल से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो फ्रेंड्स, रक्त दबाव डाला जाता है धमनी पर। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स, सोते समय रक्त दाब घट जाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो फ्रेंड्स, स्वस्थ मनुष्य में रक्त प्रति मिनट रक्त स्पंदन होता है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? सॉरी फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो फ्रेंड्स, मानव हृदय में कोष्ठक होते हैं 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, नाड़ी दर मापा जाता है धमनी से। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, शरीर की विशालतम धमनी होती है एरोटा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स, रक्त में पाया जाता है आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन में होता है? तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो फ्रेंड्स, रक्त लोहित ऑक्सीजन ले जाया जाता है लोहित कोशिकाओं द्वारा। और फ्रेंड्स, आपका जो भी स्कोर हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है पलिया। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो फ्रेंड्स, उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स, टाइफाइड से शरीर का हाथ प्रभावित होता है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो फ्रेंड्स, एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है? तो फ्रेंड्स, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है कैल्शियम। मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, स्पंदन का गुण पाया जाता है हृदय में की पेशियों में। किस अंग के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य को थकान महसूस होती है लेप्टिक अंग के जमा होने के कारण।
मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो फ्रेंड्स कॉर्निया आंख का भाग होता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स नेत्रदान में आंख का कॉर्निया दिया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है पुतली द्वारा, आयरिस। आंख के किस भाग में प्रयुक्त वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होते हैं? तो फ्रेंड्स रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कौन से? शंकु कोशिकाएं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो फ्रेंड्स मनुष्य में त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है तौलिये पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा, स्किन। मानव त्वचा को रंग देने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स मानव त्वचा को रंग देने वाला पिगमेंट होता है मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है दंतवल के। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो फ्रेंड्स यह एंजाइम आंसू और लार दोनों में पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स लीवर यकृत मानव शरीर का पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? तो फ्रेंड्स समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल, वाटर। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह है सर्वदाता होता है? तो फ्रेंड्स सर्वदाता समूह होता है ओ निगेटिव। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क लगभग होता है 1350 ग्राम का। मानव शरीर का रक्तदाब होता है, तो फ्रेंड्स मानव शरीर का रक्तदाब होता है 120/80। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स रक्त शुद्ध किया जाता है किडनी द्वारा, ऑप्शन ए सही है इसमें। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो फ्रेंड्स मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। ईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स ईसीजी का प्रयोग किया जाता है दिल की धड़कन, दिल की गति का प्रयोग करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है 4। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही
स्टडी मटेरियल लेकर आते रहते हैं जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।